भारतीय वायुसेना का हुंकार, सुखोई 30 और अपाचे की गर्जना से दहला उठा चीन। WHO ने हवा से कोरोना वायरस फैलने के सबूतों को स्वीकार किया। चीन के भारत विरोधी एजेंडा पर चलने वाली ओली सरकार की किस्मत का फैसला आज। UN में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। कानपुर इनकाउंटर मामला, विकास दुबे पर बड़ा खुलासा, पुलिस ने 3 साथियों को किया गिरफ्तार। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। भारतीय वायुसेना ने चीन के किसी भी चाल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लद्दाख में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अग्रिम अड्डे के नजदीक से अपाचे हेलीकॉप्टर MiG-29 लड़ाकू जेट और सुखोई 30 MKI ने अपनी उड़ान भरी है। भारत ने चीन के विरुद्ध हिंद महासागर में अपनी चौकसी को पूरी तरह से बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने PLA पर अपनी नजर रखने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से तैनात कर रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार मंगलवार को यह स्वीकार किया कि कोरोना वायरस के हवा में फैलने के सबूत है। इससे पहले वैज्ञानिक के एक समूह ने WHO को खुली चिट्ठी लिखकर अपनी मौजूदा दिशा निर्देशों में सुधार करने की अपील की थी। WHO की COVID-19 महामारी से जुड़ी टेक्निकल लीड डॉक्टर मारिया वाखेरखो ने एक न्यूज ब्रीफिंग में कहा, हम हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की आशंका पर बात कर रहे हैं। आज यह तय होगा कि नेपाली PM ओली सत्ता में रहेंगे या नहीं। नेपाल की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ओली के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड प्रधानमंत्री ओली से नाराज है। दोनों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। ऐसी खबर है कि पार्टी की स्थायी समिति के 40 में से 30 सदस्य ओली का इस्तीफा चाहते हैं। कोरोना संकट के बीच आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को जमकर खरीखोटी सुनाई। संयुक्त राष्ट्र UN की एक वर्चुअल बैठक में भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उसे आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय उपकेंद्र और आतंकवादियों की सबसे सुरक्षित पनगाह क्यों कहा जाता है। कानपुर हमले का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे फरीदाबाद के ओयो होटल के अलावा सेक्टर 87 में नहर पार की न्यू इंदिरा कॉलोनी में अपने रिश्तेदारों के घर 2 से 3 दिन रुका था। फरीदाबाद की स्पेशल क्राइम टीम ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के 2 साथी प्रभात और अंकुर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही तीसरा श्यामू वाजपेयी को चौबेपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चीन की सरकारी मीडिया ने अमरीका को दिया धमकी। अमेरिका नौसेना ने कहा, आपके पड़ोस में हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इस समय में चीन की ये मीडिया ग्लोबल टाइम्स अपने देश के सरकार के लिए मुख्य भूमिका निभा रही है। चीन की ये मीडिया लगातार आक्रामक रुख को अपनाकर अन्य देशों को हमेशा डराने और धमकाने की पूरी कोशिश करती रहती है। 117 दिन बाद होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। कोरोना महामारी के चलते मार्च के बाद से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेला जा सका। लगभग पूरी दुनिया में इस महामारी का कहर देखने को मिला है। 117 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी आज 8 जुलाई को होने जा रही है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच साउथहैम्पटन में द एजेस बॉल स्टेडियम पर पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ अपने देश के सभी संबंध खत्म करने की आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र UN को जानकारी दी है। WHO ने लगातार COVID-19 को लेकर चीन का पक्ष लेने के आरोप में अमेरिका ने यह फैसला लिया है। SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को कहा कि कम अवधि के कर्ज पर कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर MCLR में 0.05 से लेकर 0.10% तक कटौती की है। यह कटौती 10 जुलाई से लागू होगी। विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट। कानपुर हमले के मुख्य आरोपी विकास दुबे पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है।